In this video, I am going to discussion about the amyloidosis. Amyloidosis term is the use for group of disease, not for single disease. जब group of disease रहेगा तो ही हम term amyloidosis का use करेंगे. जो amyloid है वो क्या है? Extracellular deposition of fibrillar insoluble proteinaceous substance is called the amyloid. जो extracellular deposition of the fibrillar insoluble proteinaceous substance है जिसको हम amyloid बोलते हैं. देखो जो amyloidosis है उसको क्या करेंगे ना, हम मतलब उसको demonstrate करते हैं. आगे उसके बारे में कैसे demonstration करना है उसको पहले staining करना होगा. staining जो करते हैं हम तो iodine से करेंगे तो हमें मिलेगा brown color. ओके जब हम करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से तो हमें मिलेगा वायलेट कलर. ध्यान रखना है पर आयोडीन से हमें ब्राउन कलर मिल रहा है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हमें मिल रहा है वायलेट कलर. ओके और जब एच एंड ई स्टेनिंग से करते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे जो एमोलॉयड है वो अपीयर्स होगा एक्स्ट्रा सेलुलर होमोजीनस स्ट्रक्चर लेस नॉट हैव एनी प्रॉपर स्ट्रक्चर लेस एसिनोफिलिक हाइलिन मटेरियल्स. इट हैव एसिनोफिलिक हाइलिन मटेरियल आपको ये देखने को मिलेगा जब एच एंड ई स्टेनिंग करेंगे और लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे. इट स्टेन पॉजिटिव विथ कॉन्गो रेड. जब कॉन्गो रेड स्टेनिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव शो करेगा और शो करेगा क्या एप्पल ग्रीन बेरफ्रेंजियंस ऑन पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप. जब हम कॉन्गो रेड स्टेनिंग करते हैं और पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको ये पॉजिटिव शो करता है और एप्पल ग्रीन बेरफ्रेंजियंस शो करेगा. फिजिकल केमिकल नेचर ऑफ एमलॉयड. देखो फिजिकल नेचर जो होता है वो होमोजीनस होता है, वहीं केमिकल नेचर जो होता है वो डिफरेंट होगा. बट दे आर केमिकल हेट्रोजीनियस नेचर होगा, हेट्रोजीनियस होगा जो कि डिफरेंट होगा. बेस्ड ऑन एनालिसिस एमलॉयडस कम्पोज ऑफ टू मेन टाइप्स से एमलॉयडस कम्पोज होता है फाइब्रिलर प्रोटीन एंड नॉन फाइब्रिलर प्रोटीन. देखो जो फाइब्रिलर प्रोटीन है वो 95% ऑफ जो 95% होता है एमलॉयड का, वही जो नॉन फाइब्रिल है 5% होता है. इसमें इंक्लूड होता है पी कंपोनेंट. जो पी कंपोनेंट होता है वो इंक्लूड होता है. ओके देखो जो फाइब्रिलर प्रोटीन है वो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा और उसके बीच में क्लियर गैप बनता है. ये गैप इस तरह से उसके बीच में बनेगा. फाइब्रिलर प्रोटीन क्या है? जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फाइब्रिलर प्रोटीन को देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा ना, मेस वर्क ऑफ फाइब्रिलर प्रोटीन दिखेगा. एमलॉयड को जब हम देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम एमलॉयड को देखेंगे तो हमें जो दिखेगा क्या दिखेगा, मेस वर्क ऑफ फाइब्रिलर प्रोटीन. आपको पता है कि फाइब्रिलर प्रोटीन जो है मेजर कंपोनेंट है, 95% होता है एमलॉयड में. ओके जो दिस कंसिस्ट ऑफ डेलिकेट रेंडमली डिस्पेयर्ड एंड नॉन ब्रांचिंग एमलॉयड फाइबर्स. देखो जो नॉन ब्रांचिंग एमलॉयड फाइबर्स है वो उसके पास 4 से 6 फाइब्रिल्स होता है और इच फाइब्रिल का जो मेजर करेंगे 7.5 to 10 nm होता है इन लेंथ में. ओके इसका लेंथ में. उसके बाद आते हैं द फाइब्रिल आर शो टू हैव क्रॉस प्लेटेड शीथ. ये कब शो करेगा, जब हम स्टेन करेंगे कॉन्गो रेड डाई और बेरफ्रेंजियंस से पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में देखेंगे इसको तो ये क्या दिखेगा हमें, क्रॉस प्लेटेड शीथ कन्फिग्रेशन विच प्रोड्यूस 100 angstrom पीरियोडिसिटी. बेस्ड ऑन दिस फिगर, इस फिगर के आधार पर हम एमलॉयड का एक और नाम रखते हैं, दूसरा नाम रखते हैं जिसका नाम है फाइब्रोलोसिस. तो आप बोल सकते हैं एमलॉयड या फाइब्रोलोसिस. केमिकल एनालिसिस में हमें पता है कि हेट्रोजीनियस नेचर का होता है केमिकली, जो कि अभी हम डिस्कशन किए इस बारे में, जो केमिकली 2 major कंपोनेंट होता है एमलॉयड फाइब्रिल्स प्रोटीन का. देखो जो अभी जो फाइब्रिल्स प्रोटीन जो एमलॉयड को फॉर्म करता है 95% होता है वो जो है ना अभी तक आइडेंटिफिकेशन किया गया उसको तो 20 टाइप का मिला है हमको बायोकेमिकली. ठीक है
20 टाइप को मिला है डिफरेंट प्रोटीन जिससे एमलॉइड का फॉर्म होता है। दिस प्रोटीन कैन बी कैटेगराइज्ड एज अंडर AL एमलॉइड लाइट चेन, AA एमलॉइड एसोसिएटेड एंड अदर प्रोटीन्स में तीन टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, एमलॉइड लाइट चेन, एमलॉइड एसोसिएटेड और अदर प्रोटीन्स में। देखो AL प्रोटीन जो है ड्राइव्ड होता है इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन से। देखो जो AL प्रोटीन है ना वो ड्राइव्ड होता है लाइट चेन से। लाइट चेन क्या है, तो लाइट चेन लैम्डा एंड कप्पा, जो लैम्डा है उससे ड्राइव्ड होता है। अगर हम तुलना करें कप्पा और लैम्डा में तो कप्पा से दो गुना मतलब कॉमन से होता है लैम्डा चेन से ड्राइव्ड होता है AL प्रोटीन। ओके, इट मे इंक्लूड एमिनो टर्मिनल सिगमेंट एंड पार्ट ऑफ सी सिगमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन। देखो इसमें जो इंक्लूड हो सकता है एमिनो टर्मिनल सिगमेंट और जो लाइट चेन का जो सी सिगमेंट होता है, सी रीजन्स होता है, वो भी इंक्लूड हो सकता है। AL टाइप ऑफ फाइब्रिलस प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय इम्यूनोग्लोबुलिन सिक्रेटिंग सेल। जो AL टाइप ऑफ फाइब्रिलस प्रोटीन है वो प्रोड्यूस होता है इम्यूनोग्लोबुलिन सिक्रेटिंग सेल से। नेक्स्ट चलते हैं हम AA प्रोटीन। जो AA प्रोटीन है, AA प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ किससे कंपोज्ड होता है, मोलिकुलर वेट जिसका 28.5 kDa है। आपको ये प्रोटीन विथ AA फाइब्रस प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन विथ मोलिकुलर वेट 8.5 kDa विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम लार्ज प्रीकॉर्सर प्रोटीन इन सीरम कॉल द SSA। देखो SSA फुल फ्रॉम है सीरम एमलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन, जो कि मोलिकुलर वेट जिसका 8.5 kDa बता रहा हूँ मैं, वो ड्राइव्ड होता है लार्ज प्रीकॉर्सर प्रोटीन इन सीरम। ओके, जो सीरम में लार्ज प्रीकॉर्स प्रोटीन होता है प्रीकॉर्सर प्रोटीन उससे ड्राइव्ड होता है मोलिकुलर वेट जिसका 8.5 kDa है, और जो प्रोटीन विथ मोलिकुलर वेट 8.5 kDa है उससे होता है फॉर्म AA प्रोटीन। इन द प्लाज्मा SAA मतलब कि सीरम एमलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन सर्कुलेट इन एसोसिएटेड विथ HDL। जो SSA है वो HDL3 से क्या होता है ना एसोसिएटेड होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। HDL का फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। SSA इज एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन लीवर। देखो ये जो बोलना चाह रहा है ना कि जो SSA है जो सिंथेसाइज होता है कहाँ, लीवर में बनता है, और जो इन रिस्पॉन्स इन क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड ट्रोमिक देखो ट्रोमेटिक कंडीशन या क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जो होगा ना SSA जो है, जो SSA जो होगा उसका जो लेवल है वो हाई हो जाएगा इधर कंडीशन में, क्रोनिक इन्फ्लामेशन और ट्रोमेटिक कंडीशन में। ओके, AA फाइब्रस प्रोटीन्स इज फाउंड इन सेकेंडरी एमाइलोडोसिस विच इज सीन इन एग्जाम्पल ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज एंड डिसमेंटेड मेलिग्नेंस। जो अदर प्रोटीन है तीसरा वो जो होता है ना करीब 5 टाइप्स होता है इसका, और 5 टाइप्स का हम इसमें नाम बताए नेक्स्ट वीडियोस में हमें उसके बारे में डिस्कशन करेंगे 5 टाइप्स के बारे में, इसके आगे के कंटिन्यू करेंगे। ओके, ट्रांसथायरोटिन TTR, ए बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन ए, इसको लिखते हैं ए बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन को AB2M। ओके, एमलॉइड बीटा पेप्टाइड ए बीटा लिखते हैं, एमलॉइड बीटा पेप्टाइड को ए बीटा। एंडोक्राइन एमलॉइड फ्रॉम हार्मोन प्रीकॉर्सर प्रोटीन, और फिफ्थ है एमलॉइड ऑफ पेडियोन प्रोटीन AP r फिर पी लिखते हैं। ओके, अगर आपको इस पर नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।